हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूँ, जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने गुजरात में मिली हार पर ट्वीट किया, हम गुजरात के लोगों का जन आदेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पुनर्गठन कर कड़ी मेहनत करेंगे और देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा है और 5 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। पार्टी ने कुल 68 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की है और 2 पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी एक दल या गठबंधन को 35 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी ने इस चुनाव में 18 सीटें जीती हैं और 7 पर आगे है। बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, उसके लिए हम मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रेक्षक जा रहे और वो तय करेंगे कि राज्यपाल से कब मिलना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम जीते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई है, वहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहली जीत है और प्रियंका गांधी ने भी खूब प्रचार किया। यह जीत वहां के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की जीत है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।